हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंजलि फ्रॉम अंडमान। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। और यहाँ पर देखिए, मेरा दोपहर का जो थाली है वो तैयार हो चुका है और मैं आज आप लोगों के साथ एक मज़ेदार फिर एक रेसिपी शेयर करने के लिए आई। तो देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये है पम्पकिन, जो कुमड़ा होता है वही, तो उसे कद्दू भी कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं कुमड़ा। तो आज मैं ना, ये हमारे पेड़ का ही है और आज मैं इसी का रेसिपी बनाऊंगी, बहुत ही मज़ेदार। आप लोग ज़रूर पूरा देखिएगा। इसके साथ और भी दो तीन चीज़ मैं मिलाऊंगी। तो ये ना छोटा है, पर ना इसमें जो भंवरा होता है ना, वो छेद कर देने से, देखिए यहाँ पर और पीछे साइड किया है तो ना जल्दी ख़राब हो जाता है, इसीलिए ही मैं ना ये अभी तोड़ रही हूँ। अगर ये रख दूँगी ना, बरसात का टाइम है ना, तो वहाँ से अंदर पानी जाने के बाद ना पूरा कुमड़ा ख़राब हो जाएगा। मेरा एक कुमड़ा कुछ दिन पहले ही मैं फेंकी, वो एकदम अंदर में पानी, मतलब घोल घोल जैसा हो चुका था। तो देखिए यहाँ पर कैसा हो चुका है, उसका जो अंदर का कुमड़ा का जो कस होता है वो निकलना शुरू हो चुका है, फिर यहीं से ख़राब होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए मैं याश तोड़ी और आज मैं इसी से आप लोगों को एक मज़ेदार रेसिपी बनाकर दिखाऊंगी, बहुत ही यमी और टेस्टी लगेगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो अभी चलते हैं घर घर फिर इसके साथ और भी क्या क्या सब्ज़ी मैं ऐड कर रही हूँ आप लोग वो भी ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये है पुई भाजी और पीछे मेरे बगान में ये पुई भाजी का पेड़ है, मैं आप लोगों को वीडियो पर दिखा चुकी हूँ पहले भी, तो इसीलिए इस बार मैं तोड़कर पहले ही रख दी थी। तो ये पुई भाजी कुमड़ा के साथ ना, और एक चीज़ है जो मैं बनाते टाइम आप लोगों को दिखाऊंगी, उस वो मैं डालूंगी। तो फटाफट से पहले मैं सब्ज़ी को काट लेती हूँ, फिर इसे धोकर फिर सब्ज़ी बनाने की तरफ जाऊंगी। तो कैसे पुई भाजी, ऐसे तो सबको पता ही है कैसे काटते हैं, फिर भी मैं काट रही हूँ और मेरी बेटी मेरे पास ही बैठी है, बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करेगा, आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा। इसमें मतलब जिन लोग मछली वगैरह नहीं खाते हैं, मीट मछली, उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जो पूरा ही शाकाहारी है। और यहाँ पर देखिए, कुमड़ा ना एकदम बच्चा है, अंदर में अभी तक ठीक तरीके से बीज भी नहीं हुआ है, तो ये मैं काट ली। और ऐसे तो पहले भी मैं एक तोड़ी थी, वो एकदम अच्छे से बड़ा हुआ था, पर बीच में एक ना ऐसा ख़राब हो गया बरसात के टाइम ना, ये ऐसा अगर वो भंवरा जो होता है वो अगर काट ले ना, मतलब छेद कर ले तो ना वो जल्दी से ख़राब हो जाता है, एकदम बच्चा बच्चा जो कुमड़ा होता है ना उसमें ऐसे लोग छेद कर देते हैं। तो जिन लोग लगाते हैं कुमड़ा पेड़ उन लोगों को शायद पता ही होगा, तो यहाँ वो ऐसा हो चुका था ना, तो ख़राब हो जाएगा, इसीलिए मैं तोड़ दी, नहीं तो और थोड़ा बड़ा होता तो ज़्यादा, मतलब और बड़ा करके हम लोग तोड़ते हैं। तो बच्चा वाला भी तोड़कर खाते हैं, वैसा नहीं कि नहीं खाते। तो देखिए यहाँ पर मैं पूरा काट ली और साथ ही साथ साफ जो बाकी का जो रेशा था निकला वाला वो भी साफ़ कर रही हूँ। तो यहाँ हो चुका है मेरा सब्ज़ी पूरा काटना। तो देखिए यहाँ पर कढ़ाई गर्म हो चुका है और ये तीसरा जो चीज़ है ये है बड़ी, जो बड़ी बनाते हैं ना, ये उड़द दाल का बड़ी है, उड़द दाल और वो सफ़ेद वाला जो कुमड़ा है ना उससे बनाया हुआ जो बड़ी है वो है। तो अभी मैं उसी को फ्राई कर ली, देखिए अच्छे तरीके से लाल लाल करके। और इसमें अभी देखिए मैं, ये है पांच तरह का जो पांच फ़ोरन बोलते हैं ना वो है। तो यहाँ पर मैं जीरा फिर सौंफ, काली वाली जो जीरा होती है वो, और सरसों और मेथी और सूखा वाला लाल मिर्च और तेज़पत्ता, ये सबको मैं इसमें ऐड कर दी और अच्छे तरीके से देखिए फ्राई कर ली। और उसके बाद ना ये सब्ज़ी जो धोकर रखी थी ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। वैसे अगर खाली जीरा भी डालकर कर मतलब छोका डाल सकते हैं, पर ये जो पांच तरह का जो छोका डालने का जो मसाला है ना, खारा, मतलब खारा मसाला, ये अगर डालेंगे ना तो सब्ज़ी में बहुत ही ज़्यादा स्वाद आता है। ये इसे हम लोग पाँच फ़ोरन बोलते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, आप लोग ये ज़रूर डालिएगा। और यहाँ पर अभी मैं स्वाद अनुसार नमक और भरकर एक चम्मच हल्दी डाल दी, क्योंकि सब्ज़ी ज़्यादा है इसीलिए हल्दी भी थोड़ा भरकर एक चम्मच डाली। और इसको ना अभी अच्छे तरीके से फ्राई करना है, सब्ज़ी जब तक एकदम कम ना हो जाए तब तक मैं फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पर भी देखिए मैं आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दी। बस इसी के साथ अभी इसे अच्छे तरीके से मैं फ्राई कर लूँगी। और देखिए आस्ते आस्ते सब्ज़ी कितना कम हो रहा है, पहले से ही पानी नहीं डालना है, थोड़ा देर सब्ज़ी को फ्राई कर लेना है, थोड़ा देर फ्राई करने के बाद फिर पानी डालूंगी मैं।
तो देखिए यहाँ पर हो चुका था फ्राई, और मैं पानी एकदम ज़्यादा नहीं डाली और एकदम सब्ज़ी जितना है उस बराबर, देखिए सब्ज़ी एकदम डूबा भी नहीं है, इतना बराबर मैं पानी डाली बस। सब्ज़ी आप लोगों को उतना अंदाज़ा होगा कि सब्ज़ी बॉईल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सब्ज़ी बॉईल हो चुका है पूरा। इस टाइम पर ना मैं जो बड़ी फ्राई करके रखी थी ना इसे डाल दूँगी, और यहाँ पर मैं एक चम्मच जो भुना हुआ जीरा मसाला है ना वो डाल दी। ये होममेड है, जो घर पर वो भुना काली वाली जो गोल मिर्च होती है उसके साथ मैं जीरा को भून के फिर सूखा कढ़ाई में डाल के फिर उसे मतलब पीस ली, वही वाला मसाला है, मैं उसे अभी ऐड कर दी और थोड़ा देर मैं ढक कर पका ली। तो देखिए मेरा सब्ज़ी तैयार है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, आप लोग ज़रूर बनाइएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है ना, देख के आप लोगों को शायद लग रहा होगा बहुत टेस्टी है, पर खाने में और ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। तो मुझे ज़्यादा खिचड़ी के साथ पसंद है, क्योंकि हमारे यहाँ ना खिचड़ी के साथ ऐसा सब्ज़ी बनाते हैं और पूजा मेला में तो मिलता ही है, तो बहुत ही टेस्टी लगता है, आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मेरा एक सब्ज़ी बन चुका है, उसके बाद ना मैं मेरी बेटी को नहला कर ला दी, नहला के तैयार कर ली, उसके बाद उसे थोड़ा भूख लगा था उसीलिए मैं जो बन होता है ना वो आज ब्रेकफास्ट में हम लोग वही खाए थे तो वो था, वही मैं उसे दे दी, तो वो खा रही है और मुझे कुछ बातें मतलब वो मुझसे बात कर रही थी तो वो खा रही है। उतने देर में ना मैं बाकी का जो किचन का काम है वो भी कर लेती हूँ। किचन में ऐसे तो मेरा खाना वगैरह सब बन चुका है दोपहर का, तो उसके बाद ना मैं थोड़ा ये पोंछा ओंछा लगा रही हूँ और अच्छे तरीके से थोड़ा साफ़ कर ली हूँ। यहाँ जो ये खाना बनाने का वहाँ ना छीटा उटा लगता है तो वो ना रोज़ का रोज़ साफ़ ना करो ना तो दाग ही पड़ जाता है, इसीलिए मैं वही अभी साफ़ कर रही हूँ। तो ये पूरा साफ़ कर लूँगी, उसके बाद बर्तन भी है थोड़ा वो भी मैं धो लूँगी, ये साइड में इंडक्शन भी थोड़ा साफ़ कर लूँगी यहाँ पर है, तो वही सब साफ़ कर रही हूँ। बाकी का मेरा काम हो चुका है करीब करीब, और थोड़ा सा बाकी है जो मैं वो खाना मतलब दोपहर का खाना हम लोग खाने के पहले मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पर हो चुका था पूरा पोंछा लगाना, और अभी मैं झाड़ू मार लूँगी। पूरा किचन में काम कर मतलब खाना वगैरह बनाते टाइम हो जाता है थोड़ा थोड़ा धो मतलब गिर उड़ जाता है नीचे कुछ, तो वही मैं साफ़ कर रही हूँ, एक बार झाड़ू लगा लेने से ना पूरा साफ़ हो जाएगा। और यहाँ पर बाहर मेरा हो चुका था झाड़ू लगाना, उसके बाद देखिए यहाँ मैं बाहर ना बारिश हो रहा है, पर बारिश के साथ धूप भी हो रहा है। तो देखिए और कुछ दिन पहले ना हमारे घर पे जो हथियार वाला पूजा होता है ना विश्वकर्मा भगवान का पूजा, तब देखिए मेरा पेड़ में बिल्कुल भी फूल नहीं था, एक दो फूल था, और अभी देखिए जो मैं गेंदा का पेड़ लगाई थी ना गेंदा फूल का, कितना फूल खिला है। पेड़ ना इधर उधर हो चुका है कुछ दिन से ना बारिश और हवा हो रहा है बहुत, इसीलिए थोड़ा टूट चुका है डाली उली, इसीलिए पेड़ झुक चुका है, नहीं तो मैं एकदम रास्ते का साइड से ना लंबा करके लगाई थी। पर ये फूल ना एकदम पीला वाला नहीं है, हल्का हल्का जो छीटा छीटा लाल में पीला पीला रहता ना वैसा वाला गेंदा फूल है, इसे कृष्ण गेंदा फूल कहते हैं, कृष्ण गेंदा, बहुत सुंदर लगता है। तो ये खिलने से मुझे पूजा वूजा करने में ना बहुत अच्छा होता है, तो कितना अच्छा लग रहा था ना बाहर, और साथ में धूप भी हो रहा है, और यहाँ पर मैं बाहर आई ना तो वो भी आ गई और मुझे कह रही आप थोड़ा सा खाओ खाओ, नहीं खाने से ना फिर उसका मुंह उतर जाता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा एक बाइट ले ली और फिर उसे फिर से खिला दी, तो खुश हो जाती है। और कुछ भी खाऊँ ना तो मेरा मुंह में ज़रूर थोड़ा सा देगी ही देगी, पता नहीं उसका ये आदत अच्छा है सबको देकर खाना। और यहाँ पर मैं अंदर आ गई और फिर थोड़ा देर के बाद ना लंच करने का पहले मैं अभी देखिए मैं अंडा फ्राई करूँगी, तो अभी ना मैं चेक कर रही हूँ, इस बार हम लोग जो लाए ना वो बहुत ख़राब निकला, इसीलिए देखिए टॉर्च के साथ मैं ऐसा चेक कर रही हूँ, ऐसा ना एक अंडा को हाथ में लेकर आप दूसरा साइड से टॉर्च मारेंगे ना तो देखिए इसके अंदर ना ब्लैक ब्लैक दिखने से ना वो ख़राब वाला होता है, तो ये दोनों में ना वैसा ब्लैक ब्लैक दिखा, तो देखिए इसमें भी दिख रहा है वैसा, ये इसमें भी है देखिए कितना ब्लैक है, तो ऐसा ब्लैक होने से ना वो तो ख़राब होता है, इसीलिए फिर तोड़ने के बाद फिर अच्छा वाला का अंदर बाकी वाला ख़राब चले जाने से पूरा फेंकना पड़ता है, इसीलिए मैं ऐसा चेक कर लेती हूँ पहले। तो आप लोगों को भी अगर ये ऐसा ट्रिक अच्छा पसंद आया तो आप लोग भी कर सकते हैं, ऐसा चेक करके ही अगर आप लोग यूज़ करेंगे ना तो अच्छा होगा,
तो मैं जितने इस ऐसा होता नहीं है हमेशा, इस बार थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब निकल गया मेरा, एक ट्रे अंडा पूरा ही ख़राब निकल गया। पता नहीं गर्मी का मौसम, मतलब गर्मी का है मौसम है इसीलिए शायद उसमें शायद ख़राब हो रहा है, पर ऐसा उतना नहीं होता है हर बार, एक दो ख़राब कभी कभी निकलता है पर इतना नहीं होता है। इस बार थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब निकला इसीलिए मैं चेक कर लेती हूँ ऐसे करके, टॉर्च एक साइड में रख के ना, टॉर्च का सामने आप अगर आप रखेंगे ना, ख़राब होने से अंदर में काला काला दागी या स्पॉट कुछ भी दिखेगा, और ख़राब नहीं होने से पूरा एकदम वाइट ही दिखेगा। तो यहाँ पर अभी मैं ना एग फ्राई कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर देखिए पहले प्याज और हल्दी नमक के साथ मिला ली, और वो साइड में ना मैं मिर्च काट कर रखी पहले मेरी बेटी के लिए। मैं देखिए बिना झाल वाला एग फ्राई कर ली, उसके बाद मेरा और मेरा हस्बैंड का ना मिर्च के साथ फ्राई करूँगी। मैं जो भी बनाती हूँ ना, मुझे ऐसा डबल एक ही चीज़ को डबल बार बनाना पड़ता है, मतलब कुछ भी बनाओ तो ना उसके लिए झाल, बिना झाल वाला पहले निकाल के रखती हूँ, फिर हमारा जो बनाती हूँ उसमें झाल डालती हूँ। ऐसा नहीं था कि पहले ना वो बहुत झाल खाती थी, पर पता नहीं अभी ना बिल्कुल भी नहीं खा पाती है, तो हम लोग भी जोर नहीं करते खाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए हो चुका है एग फ्राई, और यहाँ बिना झाल वाला एग हो चुका है, और एक ही साथ मैं फ्राई करी, फिर इसमें से जो कट लगाते हैं ना वैसा लगा लूँगी। तो यहाँ पर हो चुका है, अभी लंच का पूरा सब बन चुका है, और गर्मा गर्म ऑमलेट भी बन चुका है, और अभी मैं थाली लगा लूँगी। तो मैं वहाँ फ्राई होते होते ना थाली भी सजा रही थी, तो देखिए मेरा यहाँ पर लंच का जो दोपहर का थाली लग चुका है। आप लोगों को कैसा लगा ये रेसिपी ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।